तो मेरे बच्चों को तो न्याय मिले जिनके लिए मैं लड़ रही हूँ। सगला भाई ने राम राम मोहन थारू देसी पत्रकार रवि खबर लोग चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू के कलेक्ट्रेट पर अभी पूछ रहा है एक महिला है और महिला ही नहीं पूरा गांव है जो अभी ज्ञापन देने के लिए आयो है एसपी ऑफिस में जो ज्ञापन दियो है। पूरा मामला की बातचीत कर से पूरा मामला की जानकारी ले से वीडियो लास्ट तक देखागा तो पूरी जानकारी है जो वीडियो के बाद मिल जाएगी। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि की मदद हो सके। पहले जो जानते हैं कि मुख्य रूप से जो समस्या की है की वजह है आज जो परेशान हो रहे हैं। राम राम जी मेरा नाम शर्मिला है और गांव की पीली मेरा ससुराल पक्ष है और ये सब मेरे ससुराल के लोग हैं जो मुझे अब बहू नहीं बेटी मानते हैं और बेटी मानकर ही मेरे साथ न्याय मांगने के लिए एसपी ऑफिस तक आए हैं। तो हम लोग 2005 से बाहर कनाडा में ही रह रहे थे। मैंने डबल मास्टर इंग्लैंड से किया है तो हस्बैंड डिपेंडेंट होके जो कि पीपली के निवासी थे वो साथ में गए तो अच्छा खासा काम चल रहा था। तो अभी 2017 से वो किसी और महिला के साथ रहने लगे। जब कुछ नहीं संभला तो 2019 में गाँव है मेरा पी है अरब पक्ष दिल्ली में है मुंडका गाँव मुंडका। हाँ जी। और शादी कब हुई थारी? मेरी शादी 13 अप्रैल 2004 को हुई थी। 2004 जी 17 साल हो गए हैं। अच्छा। और एक बच्चों जो थारे बेटी 3 साल की है बेटा 8 साल का है जो घर पे है। छोटी बच्ची भी यहाँ के है और अभी आज जो गुहार लगा रहे हैं कि न्याय है जो आपके साथ न्याय जो करो जाए मामलों की हो मारवाड़ी समझ रहे हो ना। हाँ जी। मामला की थोड़ी सी जानकारी अगर आपने दर्शकों दे तो की वजह है जो विवाद बढ़े और आज ये समस्या आ रही है कि एसपी ऑफिस में ज्ञापन तक देना पड़ रहे हैं। हस्बैंड थे वो छोड़ के चले गए तो फिर दोनों बच्चों को लेकर मैं 2019 को दिसंबर में अपना पीपली में जो हमारा ससुराल का घर था उधर आके रहने लग गई। तो 4-5 महीने तक सास ससुर साथ में रहे जेठ भी साथ में रहे लेकिन उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या प्लान किया उन्होंने मेरे को तंग करना शुरू किया। तो कुछ पैसों की भी मांग करी जो मेरे से नहीं मानी गई लेकिन उन्होंने जो सामान मंगवाया नया फ्रिज और वॉशिंग मशीन जो हाउस होल्ड का सामान होता वो हमने ला के दे दिया। उसके बाद भी उन्होंने तंग करना शुरू किया तो मैं नहीं मानी तो गांव में अकेला छोड़ के चले गए कि गांव में अकेला कैसे रहेगी। उसके बाद उन्होंने निरंतर कंटिन्यू जो गांव के असामाजिक लोग थे जो उनका प्रभाव था उनको संपर्क में लाना शुरू किया और मुझे तंग करना शुरू कर दिया ताकि मैं गांव छोड़कर चली जाऊं और बच्चों को लेकर यहां से निकल जाऊं। उसके बाद जब बहुत ज्यादा हो गया तो बाहर के ही गुंडा टाइप लोग घर आने लग गए तो फिर गांव की पंचायत बुलाई जिसमें 2 या 3 बाइकों पे लोग आते थे घर की रेकी करनी मेरी गाड़ी की फोटो खींचनी मुझे तंग करना छत पे चले जाना तो इस तरह का व्यवहार वो करने लगे। तो जब गांव के एक श्रवण जी हैं जिन्होंने सरेआम मुझे आकर धमकी दी कि गांव छोड़ दो नहीं तो बच्चों से भी हाथ धोएगी और इज्जत से भी हाथ धोएगी ऐसा उन्होंने बोला क्योंकि इससे पहले भी जो गांव के असामाजिक लोग थे उन्होंने घर पे भेजा तब भी हमारी एक छोटी पंचायत हुई थी तब उनको पाबंद कराया गया था लेकिन वो नहीं रुके। तो उसके बाद मैंने पीहर के पक्ष के लोगों को बुलाया कि बहुत ज्यादा होने लग गया घर में लोग सरेआम आने लगे तो उन्होंने फिर मेरे पीहर पक्ष के जो लोग आए थे मेरे भाई आए थे उनके साथ मारपीट करके उनका सर फोड़ दिया। तो उसके बाद हम पिलानी थाना में पूरा गांव मेरे साथ गया उन्होंने चौकी का घेराव भी किया 22 तारीख को पंचायत के बाद लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं करी और उल्टा मुझे ही समझौते के लिए डीएसपी साहब से भी मिले उन्होंने मेरे को भी समझौते के लिए दबाने की कोशिश करी कि आप समझौता कर लो। तो मैं इधर सिर्फ पूरे गांव के साथ जिन्होंने मेरे को बेटी माना है और जिन्होंने 22 तारीख को सर्वसम्मति से जो पूरे गांव की पंचायत हुई थी उसमें भी शरवण जी को बुलाया वो आए ही नहीं पूरे गांव ने ये माना कि मेरा कोई भी इस मामले में या किसी को तंग करने के लिए मेरा कोई भी आज तक किसी भी मामले में हाथ नहीं और मुझे निर्दोष पाया गया। उसी के बावजूद पूरा गांव मेरे साथ खड़ा हुआ और आज एसपी साहब से उचित और निष्पक्ष जांच के लिए और मेरे लिए न्याय मांगने के लिए लोग के उम्मीद करो कि प्रशासन है ये मामला में जो थारी मदद करे। मैं प्रशासन से यही उम्मीद करती हूं कि जो एक पक्षीय कार्यवाही हो रही है वो रोकी जाए दोनों पक्षों की निष्पक्ष जांच हो और जो न्याय है वो हमें मिले कम से कम मेरे बच्चों को तो न्याय मिले जिनके लिए मैं लड़ रही हूं। क्योंकि ससुराल और पीहर ये दो ही चीजें हमारे संस्कृति में और हमारे समाज में एक औरत को बताई गई है अब वो लोग छोड़ के चले गए हैं दादा दादी भी छोड़ के चले गए अब ये पूरा गांव है ये मेरे माता पिता लगा लो मेरे भाई बहन लगा लो वो बन के ये लोग आए हैं ताकि मैं दो बच्चों की परवरिश कर सकूं। अभी जो देखा कि कुछ काम धाम भी करो या फिर जो खर्चों पानी या फिर भरण पोषण जो की तरीका जो जीवन यापन अभी फिलहाल हो रहे हो वो मेरे घर वाले मुझे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे जो पिताजी हैं वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रिटायर्ड टीचर हैं और मेरे भाई भी वो वेल सेटल हैं तो वो लोग मेरे को हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो देखा कि पूरा मामलो है महिला ही जो नाम से बताओ शर्मिला जी ही परेशान ही आज ये वजह है कि हस्बैंड है जो छोड़ के दूसरी शादी कर ली सिर्फ अब गांव में भी है जो अनकोन रहने दिया जा रहा है बटे भी परेशान करा जा रहे हैं और आज पूरा गांव है जो आपके सहयोग में और समर्थन में एसपी ऑफिस झुंझुनू जो पहुंचे हैं पूर्व सरपंच है वो अपने साथ राम राम जी के नाम है आपने कृष्ण कुमार जी कृष्ण जी के मामलो अगर थे भी देखो गांव में है की वजह आज आगे सपोर्ट में थे जो पहुंच रहे हो पहले ये लेडी अपने घर में अकेली रहती थी
थी और इनके परिवार के साथ आपस में विवाद था, तब गांव ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कि इनका पारिवारिक मामला है, तो गांव हस्तक्षेप नहीं किया। फिर इसको बाहर के लोग, गांव के ही कुछ लोग इनको परेशान करने लगे, तब गांव ने पंचायत बुलाई और पंचायत में जिसने इस दोषी का नाम लिया था उसको पंचायत में बुलाया, वो पंचायत में नहीं आया। इसके बाद पंचायत ने निर्णय लिया कि हम इसकी जी जान से मदद करें और ये जहां भी जाएगी इसके साथ जाएंगे। जी बिल्कुल, तो पूरा परिवार है, जो पूरा गांव है आज आपको परिवार बन रहे हैं और जी जान आपको सहयोग कर रहे हैं। छोटी सी बच्ची है बाबू, बाबू क्या नाम है? हाँ, ओ स्कूल जाते हो? स्कूल देखो छोटी सी बच्ची है, अभी परेशान है माँ और मम्मी और बेटी दोनों जो परेशान कर रहा है, पूरा गांव है। जो पंचायत अध्यक्ष है ना जी, पंचायत अध्यक्ष के नाम था अपना जी सुभाष जी, के माँ थोड़ा सा मामला अपने दर्शकों जो जानकारी दे, तो के मामलों बीच चल रहे है और के मदद है त्यागी कर रहे हो? हम जी जान से मदद दे रहे हैं, माना चाहिए न्याय कि भाई यहाँ इस पीपल यूनिवर्सिटी रहे और इसकी जो जायदाद है, जो जमीन है वो उसको मिलनी चाहिए, इसका हक मिलना चाहिए। तो जो गांव में को परिवार है, कदे बहु भी कदे बैठ के बातचीत करी मामला की भाई की वजह परेशान करे जा रहे हैं, अगर आप कदे गांव में आवे हैं तो के कार्रवाई ग्राम पंचायत, क्योंकि गांव सौ बड़ो है, गांव बस्ती अपनी सौ बड़ी है, तो के बन कोई दंड करो जागो या फिर बकले के जो ग्राम पंचायत की ओर या फिर आपने जो जो पंचायत है भी की ओर के करो जागो, के मदद आगे करी जाएगी? तो गांव में आवाज जब बात हो बने, फोन पर बातचीत बिल्कुल, फोन उठाता ही नहीं किसी का, पंचायत में बुलावा आवे ही नहीं साहब। पंचायत ने कई बार उनको सूचना दे दी का भाई पंचायत आपकी बेटे बहु पोते बहु उनको संभालो, बोले हम नहीं आते, हमारी ना बहु ना हमारे पोते, ये सबब देते हैं वो तो आगे से। बिल्कुल, तो ये जो पीपली ग्राम पंचायत लगे है अपने जो पिलानी के अंडर जो आ रही है, तो बैठे अभी ज्ञापन देने के लिए आज एसपी ऑफिस में पहुंचे हैं। पूरा मामलो हो यो कि आज जो आपका हस्बैंड जो दूसरी शादी कर ली भी की वजह आज ये परेशान है, और बाकी सिर्फ बात इतनी नहीं है, अभी के बाद में कुछ असामाजिक तत्व ही बाकी द्वारा बयान परेशान करे जा रहे हैं। जी हूँ आज ये तो वही कहा कुमार, तो गांव में जद बन कदे रोके या फिर गांव का कुछ पकड़ के कहीं कोई प्रयास करे या अकेली बेटी जेल काटे उनके या अकेली बेटी थी या पुलिस चौकी तक जाती, उन्होंने कोई बात सुनी कुछ नहीं सुनी, फिर सीआई गन भी पिलानी थाने में भी आई, कोई इमदाद नहीं। डिप्टी के साहब के पास पहले तो नहीं बोले आप तो राजनीति करते हो, हाँ हम तो न्याय के लिए आए हैं, कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन पर प्रेशर डलवायो किसी पूर्व प्रधान का कि आप जातिवाद करते हैं, ब्राह्मण जाति से हो कि जातिवाद मत करो, न्याय दिलाओ इसको। उसके बाद में बातचीत करी, कोई 20-25 मिनट जो आप कंप्रोमाइज कर दो, वो बिल्कुल नहीं, इसको कहो जो कसूर इसने किया वो थोड़ी से माफी मांगा, अर्जी थी तुम्हें दे और ता जिंदगी में नहीं करूंगा, तुम्हें तो नहीं देता मैं। तो ये जो देखा कि पूरा मामला आप समझने का प्रयास करें कि की वजह आज परेशान ही और न्याय की गुहार लगाना है, एसपी ओपी जो पूछ रहे हैं, पुलिस चौकी कुछ लगा बैठे पीपली है जो पुलिस चौकी लगे है, और झुंझुनू पुलिस भी आप उम्मीद कर रहा है कि जल्दी जल्दी आके मदद करी जाए और जो न्याय है वो दिलाया जाए। वीडियो के बारे में सारा जो भी विचार है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखे बताओ। देसी खबर अगले खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।